नमस्कार। धरना आंदोलन के चलते दिव्यांगों को मिली राहत, मनपा शुरू करेगी भत्ता, छत्रपति संभाजी नगर। दीपावली के दौरान अनेक दिव्यांगों को भत्ता जारी नहीं करने पर गत सोमवार को मनपा मुख्यालय में दिव्यांगों ने धरना आंदोलन किया था। दिव्यांगों के धरना आंदोलन के चलते मनपा प्रशासक जी श्रीकांत ने गुरुवार को दिव्यांगों के प्रतिनिधियों को बुलाया और चर्चा की। इस दौरान दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर देने का निर्णय लिया गया। साथ ही रोके गए 517 दिव्यांग लाभार्थियों को भी निर्वाह भत्ता जारी करने का निर्णय लिया गया। स्मार्ट सिटी कार्यालय में दिव्यांग लोगों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में प्रशासक श्रीकांत ने दिव्यांगों को लेकर विभिन्न मांगों का योजना पर जोर दिया। विशेष रूप से सिडको N12 में स्थित मनपा सुल की जर्जर इमारत को ठीक कर वहां पर दिव्यांग कल्याण भवन बनाने, उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण देने, उनके व्यवसाय के लिए एक थेरेपी सेंटर शुरू करने, कंचनवाड़ी में बनाए जाने वाले पेट्रोल पंप पर दिव्यांगों को नियुक्त करने, शहर में शुरू किए जाने वाले सार्वजनिक स्वच्छता गृह और नाइट शेल्टर दिव्यांगों को चलाने के लिए देने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा 3 दिसंबर को दिव्यांग दिन पर विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण की शुरुआत करने, नेहरू भवन में दुकानों लेने वाले अगर किसी दिव्यांग को काम पर रखने हैं तो मनपा के ने ऐसे दुकानदारों को छूट देने का भी निर्णय लिया। इस अवसर पर अतिरिक्त आयुक्त रंजित पाटिल, उपायुक्त नंदन गायकवाड़ और उपस्थित अन्य उपस्थित थे। धन्यवाद। नमस्कार। दिव्यांगों की निधि हड़पने का प्रयास, जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। पांडरकवाड़ा। दिव्यांगों के निधि के माध्यम अन्य सामग्री खरीदी कर दिव्यांगों का निधि हड़प करने का प्रयास किया जा रहा है। उक्त मामले की जांच कर तो दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग को लेकर कांता सुतार ने जिला परिषद के मुख्य अधिकारी के पास शिकायत की है। दिव्यांगों के लिए केंद्र व राज्य सरकार विविध कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है। साथ ही जिला परिषद समाज कल्याण विभाग मार्फत वर्ष 2022-23 इस वित्तीय वर्ष 5% शेष निधि योजनाओं के माध्यम से दिव्यांगों के स्वयं सहायता समूहों को ई रिक्शा दी गई थी, लेकिन वह ई रिक्शा दर्जाहीन व बाजार दाम के तुलना में कम दाम के होने के बावजूद भी संबंधित अधिकारियों ने मिली भगत कर ज्यादा दाम से ई रिक्शा की खरीदी की। दिव्यांगों को वितरण किए ई रिक्शा की बाजार मूल्य 1,60,000 रुपये है, लेकिन संबंधित अधिकारी व आपूर्ति धारक ने प्रति एक नग 2,48,200 रुपये के तहत 12 नग ई रिक्शा की खरीदी की। इसमें बड़े पैमाने पर धांधली की गई। उक्त मामले में जांच समिति का गठन कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर मेनांक शोष जिलाधिकारी के पास कांता सुतार शिकायत दी है। धन्यवाद। नमस्कार। 21 नवंबर 2023 के तत्वधान में दिव्यांग, वृद्ध, विधवा की विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर एक दिन का धरना प्रदर्शन। मुख्य मांगे, एक देश एक पेंशन रुपए 5,000 प्रति माह। 2, दिव्यांगजन को लोकसभा विधानसभा सभी स्तर को चुनाव में सीट आरक्षित की जाए। 3, दिव्यांग वृद्ध विधवा पर हो रहे अत्याचार को कम करने के लिए एक्ट अधिनियम 2016 को शक्ति से लागू किया जाए। 4, सभी दिव्यांग जन का कम से कम 10 लाख तक का जीवन बीमा हो और किसी
प्रकार की हानि होने पर उनको या परिवार को मिल सके। 5, सभी राज्यों की बस में एक ही दिव्यांग यूडीआईडी कार्ड परिवहन विभाग में लागू किया जाए। 6, सभी दिव्यांगजन को बीपीएल श्रेणी में शामिल किया जाए। 7, दिव्यांगजन शादी अनुदान को राजस्थान सरकार की तर्ज पर 5 लाख किया जाए। धन्यवाद।